चलिए भाई हम अपनी टिकट लेते हैं रोहतक की इस लाइन से। सर रोहतक की देना है, दे चुके हम हांसी रोहतक की। मैम आया भाई अपनी ट्रेन चलने को तैयार है बस अब। लो भाई डोब वाली के जंक्शन पे पहुंच चुकी है गाड़ी। तो ये हमारे आज के लोको पायलट है जो इस ट्रेन को चला रहे हैं। सुबह रोहतक से चलेंगे 9:45 पे जी, फिर हांसी जाएगी, हांसी से वापस रोहतक के लिए, रोहतक पहुंचेगी 13:30 बजे। 12 से 6 पर है डोब वाली का स्टेशन, हालांकि अब पहुंचने वाली है डोब वाली, और वो दिखाएंगे आप लोगों को जहाँ पर भिवानी वाली लाइन और डोब वाली लाइन अलग होती है। डोब वाली नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। पुनीत रोहिला ब्लॉग चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो भाई वो दिन आज आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार हांसी मैम रोहतक की जनता कर रही थी। और भाई आज इनॉग्रेशन है, और इनॉग्रेशन मतलब रोहतक की साइड से सांसद अरविंद शर्मा जी ने रेल के झंडी दिखा चुके हैं, और लगभग 2 बजे वो झंडी दिखा चुके हैं और रोहतक से निकल चुकी है वो ट्रेन। और उस ट्रेन का पूरा वो भी दिखाएंगे आपको, व्यू कराएंगे, और उसमें सफ़र भी करेंगे आज हम रोहतक तक। पूरा व्लॉग आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, और भाई पूरी जर्नी आपको अभी इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई हमारी तमन्ना थी कि जिस दिन ये रेल लाइन स्टार्ट होगी इस पे पैसेंजर ट्रेन, उसी दिन अपना सफ़र करेंगे। तो वो दिन वो बस अब कुछ ही मिनट की दूरी रह गई है उस समय को आने की, तो पूरा सफ़र भी करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर भाई आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे इस रेलवे लाइन पे जो भी स्टेशन आएंगे। हालांकि कुछ स्टेशन पर अभी रुकेगी नहीं, लगभग मेन स्टेशन पर रुकेगी, पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हांसी मैम रोहतक रेल लाइन पर पहली बार पैसेंजर ट्रेन आती हुई, हांसी की तरफ आती हुई। अब चलिए भाई हम अपनी टिकट लेते हैं रोहतक की इस लाइन से। सर रोहतक की देना है तो रोहतक की टिकट लेंगे हम, और इसमें सफर भी करेंगे आज। ये ट्रेन का टाइम क्या जाने का वापिस बताएंगे। लो जी ये पहली टिकट ले चुके हम हांसी रोहतक की। मैम आया 45 रुपए की। ट्रेन चलने को तैयार है बस अब, चलेंगे इसके अंदर और पूरी जर्नी दिखाएंगे आज आपको इस ट्रेन की। अभी कुछ पैसेंजर भी खड़े हैं, जाओगे जी आप साथ में? चलो भाई चलने के लिए तैयार है, ग्रीन सिग्नल दे दिया ट्रेन को। हांसी स्टेशन से निकलती हुई है ट्रेन और रोहतक की तरफ फिर रोक ली गई एक बार। भाई कुछ पैसेंजर रह गए थे इस वजह से इसको रोक लिया गया एक बार स्टेशन पर, अब फिर से चल रही है। तो भाई देख सकते हैं आप, और मंत्री जी अशोक गुरबनीश ग्रोवर जी आप देख सकते हैं फिलहाल। लो भाई अब ये स्टेशन से प्रस्थान करती हुई। आ जाओ जी आ जाओ। और भाई पहला राउंड है ये हांसी से रोहतक का, और हम फिर दोबारा से इसमें वो कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना ब्लॉग बना रहे हैं हांसी से रोहतक का। फर्स्ट राउंड ही है हालांकि। तो भाई आप देख सकते हैं काफी संख्या में यात्री रोहतक की तरफ जा रहे हैं इस ट्रेन से। लो भाई अब ये चल चुकी है हांसी मैम वाली लाइन पर, पूरा सफर दिखाएंगे आप लोगों को इसका। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम पिछली काफी दिनों से इसी लाइन को क्लियर कर रहे हैं। ये एक सब्सक्राइबर आ गए भाई, क्या नाम भाई साहब? सचिन। सचिन तो भाई पहली बार जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो भाई साथ साथ में रिव्यू भी लेंगे सभी का। तो भाई ट्रेन ने अपनी फुल रफ्तार पकड़ ली है बिल्कुल।
आज वो सारी जगह दिखाएंगे आपको जहाँ से हम अपने ब्लॉग कवर किया करते थे पहले। ये अब मुड़ जाएगी भाई हांसी में वाली लाइन की तरफ पहली बार। ये चली गई है भाई, अब देख सकते हैं आप यहाँ से हम अपने बहुत ब्लॉग शूट करते थे पहले। तो शाम पुल के पास पहुंच चुकी है, अब इसके ऊपर से जा रही है। लो भाई हमारा भी सपना पूरा हो चुका है कि हांसी में रोहतक लाइन पर पहले ही राउंड में हमें सफर करने का मौका मिल रहा है। और जो अगला स्टेशन आएगा वो गढ़ी का स्टेशन आएगा इसके बाद, जो कि क्रॉसिंग स्टेशन है। आज पूरी आपको वीडियो में दिखाएंगे। और लो भाई अब भिवानी पुल आने वाला है जहाँ से हम अपना व्लॉग शूट करते थे लगभग ज़्यादातर। लो भाई ये आ चुका है भिवानी पुल, 67 पे पहुँच चुके हैं अब। ये अपने इस हांसी की तरफ जा रहा है रास्ता। यहाँ के भी लोगों ने पहली बार ट्रेन को देखा होगा इस लाइन पर जो आसपास के खेतों में है। कि खाली पड़ी है बिल्कुल ट्रेन। साथ ही साथ में इस लाइन का जो इलेक्ट्रिशियन है OHE वायर का काम वो भी चल रहा है, वो भी गढ़ी स्टेशन पे पहुंचने वाला है। और भाई पहली बार इस लाइन पर सफर करते हुए पुनीत रोहिला व्लॉग चैनल। और भी ट्रेन में सभी पैसेंजर के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी रेलवे स्टेशन पर हांसी, ये देख सकते हैं आप। भाई साहब पहली बार जा रहे हो हांसी में रोहतक लाइन पर, कैसा लग रहा है? तो भी सबके लिए खाने की व्यवस्था भी की गई इस ट्रेन में। ये आ चुका है बड़सी का जो फ्लाई ओवर। आगे लोग भी पहली बार ट्रेन को देख रहे हैं अभी इस लाइन पर। बस थोड़ी देर में अब गढ़ी का स्टेशन है, तो 4 किलोमीटर रह गया बस यहाँ से। भाई देख सकते हैं फूल फूलों से सजा रखे हैं बिल्कुल, बाहर को गुब्बारे सजा रखे हैं। और भाई हम पहले ही बता रहे थे आप लोगों को कि जब भी ये ट्रेन चलेगी तो पहली वीडियो पहला व्लॉग इस लाइन पर हम ही बनाएंगे। तो हम पहली बार में ही इसका व्लॉग बना रहे हैं साथ के साथ है। ताकि भाई हमारा खुद की भी तमन्ना थी कि जिस दिन ये लाइन स्टार्ट होगी पैसेंजर ट्रेन के लिए तो पहला व्लॉग हमारे चैनल पर ही आएगा। पूरी जर्नी दिखाएंगे आप लोगों को, इसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट वो देख सकते हैं भाई। E5 स्कूल गाड़ी का गाड़ी पहुंच चुकी है बस ये ट्रेन अब। और E5 का ये हॉस्टल है हालांकि, और ये स्कूल है। और ये अब मेहंदा रोड आने वाला है यहाँ से। वो स्कूल है के लिए है। लो भाई ये मेहंदा के जो फ्लाई ओवर पे जो आती है वो ये स्कूल है। वो भाई चाय वाले भाई वहाँ पे बहुत चाय पी है भाई। मेहंदा स्टेशन बस पहुँचने वाली है ट्रेन, अब पहुँच ही चुकी है लगभग। और ये इलेक्ट्रिक वायर जो OHE वायर है यहाँ तक पहुँच चुका है काम, देख सकते हैं आप। ये OHE वायर का काम गढ़ी स्टेशन पर पहुँच चुका है, यहाँ से बस इस पोल तक ही हुआ है ये काम, इसके आगे अभी नहीं हुआ है स्टार्ट। यानी स्टेशन से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है काम। गाड़ी के स्टेशन पे पहुंच चुकी है गाड़ी। भाई अभी यहाँ OHE वायर का काम अभी यहाँ तक नहीं हुआ है, बस जो 2-3 खंबे पहले हैं वहां तक ही हुआ है ये काम। और हालांकि मेन लाइन पे लूप लाइन पे जा रही है, पता नहीं मेन लाइन पे जा रही है। गढ़ ही पहुंच चुके हैं, वेलकम टू गढ़ी स्टेशन। यहाँ पर देख सकते हैं भाई काम स्टार्ट है।
कुछ कुछ काम चल रहा है गड़ी स्टेशन पर। भाई आंसी स्टेशन से लगभग ये ट्रेन 10 मिनट पहले चली थी और 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच चुकी है, 10 या 12 मिनट पर। और लो भाई प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी है गड़ी, लो भाई गड़ी के स्टेशन पर रुकी है ट्रेन, स्टेशन पर पहुँच चुकी है ट्रेन। और हालांकि स्टॉपेज होगा जो अभी पता नहीं है कितना स्टॉपेज है, तो अभी गड़ी स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन में। अभी 30 से 40 सेकंड का स्टॉपेज था यहाँ से, और उसके बाद अब गड़ी स्टेशन से निकलती हुई गाड़ी गड़ी, और जो इसका अगला स्टॉपेज होगा वो शायद सोरखी होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, वो तो जाके पता चलेगा। ले भाई गड़ी से निकलती हुई अब ट्रेन को सी ऑफ कर रहे हैं कुछ कर्मचारी। क्या हाल है भाई, देख सकते हैं आप ट्रेन को देखने के लिए गांव के लोग आ चुके हैं गड़ी स्टेशन पर। तो 16:42 पे पहुंच चुकी है भाई गड़ी स्टेशन पर ये ट्रेन। ले भाई ये गड़ी के लास्ट छोर पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं भाई काफी संख्या में लोग, देख सकते हैं हमारे साथ कुछ पैसेंजर भी आज यात्रा कर रहे हैं पहली बार ट्रेन में। तो भाई कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कस कहाँ के हो? मैं तो गाड़ी से। ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं यदुवंशी स्कूल, जो कि सोरखी की तरफ जाते हुए आता है, बस अब 5-4 किलोमीटर पर सोरखी का होल्ड स्टेशन है। वहाँ देखने वाली बात है कि रुकेगी या नहीं ट्रेन। और भाई अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी फिलहाल ट्रेन चल रही है। लो भाई अब सोरखी पहुंचने वाली है गाड़ी, ये सोरखी का स्टेशन जाने का रास्ता है ये सोरखी का। भाई रुकेगी नहीं सोरखी स्टेशन पर, और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सोरखी स्टेशन पे नहीं रुकेगी ट्रेन। सोरखी होल्ड स्टेशन था हालांकि अब नहीं रुकी, ये देख सकते हैं आप ग्रामीण काफी संख्या में ट्रेन को देखने के लिए आए हुए हैं, और ये सोरखी पार होती हुई भाई स्टेशन। नहर आ चुकी है, यहाँ से भी हम अपना ब्लॉग शूट करते थे काफी बार। और भाई इससे जो अगला स्टेशन है बस अब मुंडाल का स्टेशन आएगा, जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर ही रह गया है अब। भाई मुंडाल स्टेशन पे जो वो ये इलेक्ट्रिक पोल है उसमें कई कई जगह पर ब्रेकेज डालने का काम अभी हुआ नहीं है, और कई जगह पे हो रखा है और किसी जगह पे नहीं हो रहा। हालांकि मुंडाल पहुंचने वाली है अब गाड़ी, और बीच बीच में हम सोरखी से बता रहे थे जो सोरखी से मुंडाल के बीच में इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम है वो वैसा का वैसा ही पड़ा है अभी, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ कुछ लगे हो तो पता नहीं, लेकिन हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं और इलेक्ट्रिक पोल से रिलेटेड कोई काम हमें दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। लो भाई वो पुल आ चुका है जो अभी तक जिसका निर्माण नहीं हुआ है, भिवानी जो मुंडाल भिवानी रोड पे है वो पुल, हालांकि उसका निर्माण अभी हुआ नहीं है, वैसा का वैसा ही पड़ा है जैसे हम पहले वीडियो में छोड़ गए थे। बस यहाँ से रेलवे स्टेशन 1.5 से 2 किलोमीटर है मुंडाल का। तो भाई वैसा का वैसा ही पड़ा है ये, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना ही से आगे इसका निर्माण कार्य हुआ है मुंडाल रोड पर इस पुल का। लो भाई मुंडाल स्टेशन आने वाला है अब, ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई कर दी है, और जो आप क्वार्टर देख रहे हैं मुंडाल स्टेशन के वो
भाई मुंडा स्टेशन के क्वार्टर आ चुके हैं अब। शोर की होल्ड था इस वजह से नहीं रोकी अभी, हालांकि कल देखने वाली बात होगी कि शोर की स्टेशन पर रुकेगी गाड़ी। और यहाँ पे भी अभी पोल का काम नहीं हुआ है कुछ कुछ, और ब्रैकेट्स लगाने का काम भी नहीं हुआ है मुंडाल स्टेशन पर। 16 फरवरी की अपडेट दे रहे हैं आपको, 16 फरवरी को पहला वो दिन है जो इतिहास में लिखा गया है कि हांसी में रोहतक रेल लाइन स्टार्ट हुई है 11 साल बाद। तो भाई एक इतिहास ही बन चुका है ये भी, 11 साल से लगभग इस पर काम चल रहा था, कभी कोई अड़चन कभी कोई अड़चन, कभी मुआवजा कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई वो फाइनली आज 16 फरवरी 2024 इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि हांसी में रोहतक रेल लाइन पर गाड़ियों का संचालन आज से स्टार्ट कर दिया गया है। अब एक सब्सक्राइबर और मिल गया है भाई, क्या नाम भाई साहब? सुमित नाम है भाई साहब। ब्लॉग देखते हो? हाँ देखते हैं भाई साहब। कैसा लगते हैं ब्लॉग? बढ़िया लगते हैं। बढ़िया है, चलो धन्यवाद भाई। लो भाई मुंडाल स्टेशन पर पहुंच चुकी है अब गाड़ी मुंडाल कला के, और वो काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं जो पेंडिंग में थे। लूप लाइन पे लिया गया भाई मुंडाल स्टेशन पर, मेन लाइन पे नहीं लिया गया इस ट्रेन को। स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ब्रेक शायद यहाँ पे भी एक या डेढ़ मिनट का ही होगा या 30 या 40 सेकंड का ही होगा। अभी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है मुंडाल स्टेशन से। मुंडाल कला लो भाई मुंडाल स्टेशन से निकलती हुई अब गाड़ी स्पीड में। हालांकि कैसे हो? नमस्कार। तो भाई मुंडाल कला से अब फिलहाल निकल चुकी है गाड़ी। हालांकि भाई यहाँ पर कोई भीड़ नहीं दिख रही गाड़ी को सी ऑफ करने के लिए, खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है। और भाई स्टेशन पर ये एंगल जरूर रख दिए गए हैं अब यहाँ पर डालने के लिए मुंडाल कला से निकलती हुई। अब जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा आपका महम, 42 पॉइंट समथिंग पर है ये मुंडाल का स्टेशन, यानी कि हांसी से 71 पे चली थी गाड़ी और इस पर पहुँच चुकी है अब लगभग 15 से 20 से 25 मिनट में। भाई जो मुंडाल स्टेशन से आगे है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोल में जो ब्रैकेट्स का काम है वो अभी नहीं हुआ है, थोड़ी आगे कुछ जगह पे हुआ है और कुछ जगह पे नहीं हुआ। मुंडाल से थोड़ी आगे हालांकि यहाँ पर हो चुका है काम। और अब नहर आएगी, नहर का पुल थोड़ी देर में, और वो देख सकते हैं आप NH9 जो नेशनल हाईवे है दिल्ली सिरसा को जोड़ता है। इस नहर पे भी हम अपना ब्लॉग शूट कर चुके हैं काफी बार। हो गया और भाई ट्रेन ने अप्लाई कर दिए ब्लॉग, ये आपका जो चिन्नी मिल है वो वाला पुल है, शुगर मिल मैम की जो शुगर मिल है, और थोड़ी ही देर में बस अब मैम स्टेशन पर पहुंचाई गाड़ी। लो भाई अब मैम के स्टेशन पहुंचने वाली है जो कि बैणी महाराजपुर में है वो स्टेशन। बस अब आने वाला है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। ये देख सकते हैं भाई बच्चे पूरे खुश हो रहे हैं मैम, भाई मैम के अब क्वार्टर आ चुके हैं। तो भाई रेलवे भी उस रोड की तरफ भी जरूर ध्यान दे भाई। तो भाई मैम के स्टेशन पर जरूर पहुंच चुकी है गाड़ी। क्या रहे हो तो रुकेगी, मतलब भाई अब वीडियो पहुंच चुकी है मैम के स्टेशन पर। भाई BPS स्कूल है जो हम दिखाते थे आप लोगों को, BPS मैम के स्टेशन पर आज पहुंच चुकी है।
लो भाई आ जाओ भाई कर लो भाई, मैम के स्टेशन पर पहुंच चुकी है और काफी सवारी यहां पर उतरेगी मैम के स्टेशन पर। लो भाई देख सकते हैं काफी संख्या में ग्रामीण आप मैम के स्टेशन पर उतर चुके हैं। लो भाई अब मैम स्टेशन पर आ चुके हैं हम और मैम के स्टेशन पर शायद अराउंड एक मिनट का ब्रेक हो, पर अभी वो देखने वाली बात होगी कि कितने देर का ब्रेक है यहाँ पर मैम के स्टेशन पर। आरपीएफ के जवान भी कुछ साथ में आए हैं इस ट्रेन के एज ए सिक्योरिटी पर्पज देख सकते हैं आप। और हालांकि एक मिनट हो चुका है मैम के स्टेशन पर रुके हुए, तो देखने वाली बात होगी कितने देर का यहाँ पर स्टॉपेज है मैम के स्टेशन पर इस ट्रेन का। एक से डेढ़ मिनट का स्टॉपेज हो चुका है, लगभग दो मिनट का शायद स्टॉप दिया है यहाँ पर मैम के स्टेशन पर। हालांकि जो पिछला ओल्ड स्टेशन था सोरखी का, वहाँ कोई इसका स्टेशन नहीं था, हालांकि वहाँ स्टॉपेज नहीं हुआ यहाँ पर जैसे ये कल से रेगुलर हो जाएगी ट्रेन, तो उस टाइम देखने वाली बात होगी कि ओल्ड स्टेशन पर रुक के चलेगी या नहीं। बट अभी हालांकि मैम के स्टेशन पर दो मिनट का स्टॉप जरूर है इस रेल। लगभग भाई पाँच मिनट का स्टॉपेज हो चुका है इस ट्रेन का यहाँ पर मैम के स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं बीपीएस स्कूल स्टेशन के आसपास ही है, जो NH9 है जो दिल्ली सिरसा को जोड़ता है वहीं से निकलता है वो रास्ता, और यहीं से ही आपका उस स्कूल पे जाने का रास्ता भी निकलता है। तो भाई पाँच मिनट तक रोक लिया गया इस ट्रेन को, ताकि लंबा स्टॉपेज है अभी यहाँ पर, ये नहीं पता कि आज के लिए या परमानेंट है। पाँच मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन मैम स्टेशन से चलती हुई अब लगभग पाँच से छः मिनट हालांकि स्टॉप हुआ यहाँ पर इस ट्रेन का। लो भाई पाँच से छः मिनट के बाद अब मैम स्टेशन से निकलती हुई गाड़ी, और भाई आसपास देख सकते हैं अब कितनी हरियाली है, ये बड़ा लगी हम पहली बार बोल रहे हैं इस लाइन इसमें। तो भाई अब इसके बाद बलम्बा का स्टेशन आएगा, और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैम के स्टेशन से निकलती हुई और पब्लिक देख सकती है भाई कितनी मात्रा में है यहाँ पर, कितने जगह है ट्रेन को सी ऑफ करने के लिए फिलहाल आए हुए हैं लोग। तो भाई एक लोग को यहाँ पर भी है, हालांकि ये वो है जो सामान वगैरह का रोडी बजरी क्रेशर के लिए आता है, इसको हालांकि लूप लाइन पर रख रखा है बिल्कुल मैम स्टेशन के। भाई मैम स्टेशन पर जो एंगल लगाए थे वो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं, उसमें जो वो लगाते हैं इलेक्ट्रिक के पोल के वो जो हुक वगैरह वो अभी तक नहीं लगे हैं, ब्रैकेट बोल सकते हैं उसको। ये मैम का लास्ट अंतिम छोर स्टेशन का। हरियाली देख सकते हैं भैया कितनी शानदार लग रही है स्टेशन के चारों तरफ। और ये जो NW देख रहे हैं आप, तो भाई ये यहाँ तक है ना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की यहाँ तक की जमीन है, तो यानी अगर दूसरी लाइन भी निकालनी पड़ जाए तो यहाँ से दूसरी लाइन भी आराम से निकल सकती है जब डबलीकरण होगा इस लाइन का। वो हालांकि देखने वाली बात होगी भाई कब तक कब होगा या कुछ होगा या नहीं। तो भाई पहली बार सफर करके भाई पूरा मजा आ रहा है इस ट्रैक पर, हालांकि ये एक बार रोहतक से हांसी आई है वो इसका पहला राउंड था, और जो हांसी से फिर रोहतक आई है रोहतक जा रही है वो इसका दूसरा ही राउंड है, और हमें इसमें मौका मिला है भाई, हमें भी खुद अच्छा लग रहा है कि हमें इस लाइन पर हांसी से रोहतक जाने का पहली बार मौका मिला पहले ही ट्रिप में, तो एक खुशी की बात हमारे लिए भी है भाई। अब गाड़ी पहुंच चुकी है अपने बलम्बा के ओल्ड स्टेशन पर, हालांकि स्टॉपेज है इसका पर सोरखी नहीं था। बलम्बा के स्टेशन पर आ चुकी है गाड़ी, बलम्बा का ओल्ड स्टेशन, बलम्बा के स्टेशन पर पहुंच चुकी है भाई गाड़ी अब,
लगभग ज्यादा नहीं 20 या 25 सेकंड या 30 सेकंड का ही ब्रेक होगा इसका होगा तो चल भी पड़ी है। लो 20 से 25 सेकंड का ब्रेक हुआ है इस स्टेशन पर और ट्रेन ने हॉर्न भी दे दिया है चलने का। गार्ड साहब सी ऑफ ग्रीन सिग्नल दिखा रहे फिलहाल। और भाई मैम के स्टेशन पर ये देख सकते हैं आप प्रोग्राम भी रखा गया था उसका बलम्बा के स्टेशन पर इसका प्रोग्राम भी रखा गया था। ये बलम्बा के स्टेशन पर भाई फिलहाल जाती हुई यहाँ से स्टेशन से अब निकल चुकी है गाड़ी। अब उसके बाद खरकड़ा का स्टेशन आएगा कोलकाता स्टेशन यहीं से। हालांकि गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है बलम्बा से ही मतलब बीच में ही पहुंची थी उसे हमें स्पीड पकड़ ली है पूरी। अब लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर खरकड़ा का उल्टा है उसके बाद भाई आपका मोखरा मदीना फिर डोब वाली और फिर रोहतक। सूर्य अस्त होने का भी थोड़ा टाइम हो चुका है लगभग 5:30 5:30 हो चुके हैं। हालांकि भाई हम आ चुके हैं रोहतक के स्टेशन रोहतक आ जरूर रहे हैं पर ये नहीं पता कि भाई जाएंगे कैसे यहाँ रात यहीं पर रोकनी पड़ेगी हमें क्योंकि आज वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है तो देखने वाली बात होगी भाई बस मिलेगी या नहीं आसी जाने के लिए। फिर इसके बाद ये व्लॉग अपलोड भी करता है कल की डेट में। सी ऑफ कर रहे हैं भाई बच्चे खुशी है इनको भी लगता है इनके गांव से ट्रेन जाती हुई पहली बार और अब तो लगातार रोज ही जाया करेगी। एक और आ गया भाई ये आ गया भाई आपका 152D जो कि नारनौल और अंबाला को जोड़ता है और इससे बस अब स्टेशन भी आ जाएगा खरकड़ा का ये हालांकि वो 152D। यहाँ पे भी हम अपना ब्लॉग बना चुके हैं पहले जब खरकड़ा का ब्लॉग बनाने आए थे। एच लगा रखा है एच का मतलब वो उल्टा ही होता है। खरकड़ा खरकड़ा शायद नहीं रुकेगी सीधी जा रही है बिल्कुल विदाउट रुके। और भाई जो इससे अगला स्टेशन है वो मोखरा मदीना का आएगा। खरकड़ा भी क्रॉस हो चुका है के अंदर देख सकते हैं बिल्कुल खाली है भाई ट्रेन बिल्कुल खाली। कि कुछ बन रहा है यहाँ पर ये नहीं पता हमें क्या बन रहा था। और पोल भी यहाँ पे नहीं लगे हैं हालांकि दिखा चुके हैं ब्लॉग में मदीना के लेकिन इससे थोड़ी आगे जो है वहाँ पर पोल का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। मोखरा मदीना स्टेशन में पहुँच चुकी है अब गाड़ी पहुँचने लग रही है धीरे धीरे। ये हम पहले ही दिखा चुके हैं कि यहाँ पर कुछ बना नहीं है हालांकि फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं हुई ना पोल लगे लेकिन इससे आगे जो खरकड़ा की तरफ जाते हैं वहाँ पर पोल और ब्रैकेट का काम हो चुका है। हालांकि भाई बात करते लगभग 4 से 5 महीना या 3 महीना तो भाई आराम से लग जाएंगे इस लाइन को इलेक्ट्रिक होते हुए मोखरा मदीना। मोखरा मदीना के स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं इस टाइम और मोखरा मदीना के स्टेशन पे देखते हैं कितने मिनट का ब्रेक है या 1 मिनट का ब्रेक है या 2 मिनट का ब्रेक है वो देखने वाली बात होगी। 1 से 2 मिनट का स्टॉपेज हुआ था यहाँ पर और उसके बाद अब चल रही है ट्रेन मोखरा मदीना स्टेशन से। अकबरपुर का स्टेशन है इसके बाद मोखरा मदीना से हालांकि लूप लाइन पे ली थी इसको पता नहीं किस वजह से लूप लाइन पे लिया गया था या हम सोचे भाई कोई मालगाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है बट ऐसा कुछ नहीं है।
अभी इसके बाद फिर सीधी मेन लाइन पे आ जाएगी ये। अब जैसे ये इसका इंजन आगे हुआ इस रेड लाइट से, पहले येलो सिग्नल था, पर जैसे ही इसको इंजन आगे टप गया तो अब रेड कर दिया है सिग्नल। और ये एफटीओ 7 फैक्ट्री जो हम पिछले ब्लॉग पे दिखा चुके हैं आप लोगों को, मतलब अभी मेन लाइन पे जाएगी, हालांकि लूप लाइन से चल रही थी पहले, लेकिन अब ये मेन लाइन पे हो जाएगी। यहाँ से मोखरा मदीना पे बनाए हुए रेलवे के क्वार्टर्स, ये आपकी वो सबन फैक्ट्री। और दोस्तों ये जो रोड है ये मोखरा मतलब मदीना गांव में चला जाता है, और जो इसके इस साइड वाला रोड है वो मोखरा की तरफ चला जाता है। यहाँ से मोखरा, यहाँ से मदीना लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है स्टेशन से। स्टेशन में पहुँच चुकी है, हालांकि रुकेगी नहीं शायद। सारे काम कंप्लीट है भाई। यहाँ के आपका बहु अकबरपुर का स्टेशन, ओल्ड स्टेशन है लागी। और जो इससे अगला स्टेशन होगा दोस्तों वो जो दोनों लाइन क्रॉस होती है जहाँ पर डोबवाली के स्टेशन पर, तो अगला स्टेशन वो है। अब 12 से 6 पर है डोबवाली का स्टेशन, हालांकि अब पहुंचने वाली है डोबवाली, और वो दिखाएंगे आप लोगों को जहाँ पर भिवानी वाली लाइन और डोबवाली लाइन अलग होती है डोबवाली से यहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को वो लाइन। सूर्यास्त होने का समय भी हो चुका है भाई। भाई यहाँ से हमने खूब बहुत गड्ढे चुराए थे भाई, एक दो गन्ना खूब चुराया था यहाँ से। ये वो जगह है याद ही रहेगा भाई वो दिन भी। लो भाई ये वो है भिवानी वाली लाइन जो कलानौर होते हुए भिवानी जाती है, और यहाँ से ये दोनों लाइन अलग अलग हो जाती है। कलानौर होते हुए ये भिवानी को चली जाती है, और ये आपकी आसी मैम वाली लाइन यहाँ पे अलग अलग हो जाती है दोनों। अब दो वाली यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ का भी भिवानी कलानौर वाला रोड, ये स्टेशन आएगा आपका, ये एक जंक्शन के रूप में बनाया गया है, क्योंकि ये 2-3 लाइन क्रॉस होती है यहाँ से इस जंक्शन पे से, तो इसको एक क्रॉसिंग स्टेशन तो है ही है, साथ में ये जंक्शन भी बनाया गया है। और ये आपकी जो दोहरीकरण वाला शायद चल रहा है पार्ट, जो मिट्टी की ये देख रहे हैं आप अलग कर रखी है, तो हमने पहले ही बताया था भी आपके लिए जरूर इसको शूट करेंगे हम, तो शायद ये वो दोहरीकरण वाले के लिए प्रयोजन है, जो डॉब वाली से लेके भिवानी तक दोहरीकरण की प्रोजना है, वो शायद यहीं पे बनेगी शायद वो लाइन, वो देखने वाली बात होगी वो कैसे कहाँ बनेगी भाई। जहाँ तक हमारा आइडिया है यहाँ तक यहीं से मतलब मिट्टी कटाई वगैरह शुरू कर रखी है। सूर्यास्त भी होने वाला है। लो भाई ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर ली है बिल्कुल, ब्रेक्स लग चुके हैं बच्चे खेलते हुए इसके बाद भाई सिर्फ 6 किलोमीटर ही रह गया आपका रोहतक स्टेशन। ये हुई है कितनी अच्छी लग रही है ये लाइन, ऐसे की ऐसी ही पड़ी है अभी। ये है भाई आपका डोबवाली जंक्शन,
हालांकि यहाँ पे जंक्शन नहीं लिखा हुआ, ये क्यों नहीं लिखा ये पता नहीं, हालांकि दो बड़ी जंक्शन है, लूप लाइन पे ही लिया गया यहाँ पर भी हमें। हेलो भाई, डोबवाड़ी के जंक्शन पे पहुंच चुकी है गाड़ी और बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ पे कितनी देर का ब्रेक है डोबवाड़ी के जंक्शन पर। हालांकि ये जंक्शन है क्योंकि हांसी मैम रोहतक रेल लाइन पे जो स्टेशन बनाया है यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हांसी मैम रोहतक लाइन, तो इसको जंक्शन के रूप में बनाया है क्योंकि एक भिवाड़ी की तरफ चली जाती है लाइन, एक आपकी हांसी मैम रोहतक और एक रोहतक की तरफ चली जाती है लाइन, तो इसको जंक्शन के रूप में विकसित किया गया है स्टेशन को। भाई डोबवाड़ी के स्टेशन पर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं गाड़ी को खड़ा हुआ है क्योंकि रोहतक की तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है, इसलिए इसको लूप लाइन पे ले लिया गया है और जैसे ही पैसेंजर क्रॉस करेगी वहाँ पर तो फिर इसको चला दिया जाएगा। तो अभी लगभग 5 मिनट तक ये खड़ी है। अभी साथ में हमारे आज लोको पायलट सर भी है। सर कैसे हो? तो ये हमारे आज के लोको पायलट है जो इस ट्रेन को चला रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अभी तक हालांकि फूलों से सजा रखी है ट्रेन। सर एक बार शेड्यूल बता दीजिए जनता को, हमारी ऑडियंस को, कितने बजे चलेगी रोहतक से ये? सुबह रोहतक से चलेगी 9:45 पे जी, और फिर हांसी जाएगी, हांसी से वापस रोहतक के लिए, रोहतक पहुंचेगी 13:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे। अच्छा 1:30 बजे। तो सर जो ओल्ड स्टेशन पे इसके स्टॉपेज रखे गए हैं? हाँ, स्टॉपेज रखा गया है। तो भाई इस ट्रेन की वजह से अभी रोका गया था इसको, ये अब चल चुकी है और अब ये चलेगी। तो शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे भाई हमारे साथ जो आज के लोको पायलट है इस ट्रेन के, रोहतक से पहले हांसी आए फिर हांसी से अब रोहतक ले जा रहे हैं इस ट्रेन को। सर क्या नाम आपका? जयदीप सोरान। जयदीप सोरान सर है हमारे साथ जो इसको आज वापस हांसी से वापस रोहतक ले जा रहे हैं ट्रेन को। भाई जयदीप सोरान भाई काफ़ी अच्छे आदमी थे और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने डोबवाड़ी से लेकर रोहतक का सफ़र इस रेल के इंजन में करवाया, बट सुरक्षा कारणों की वजह से हम उस व्लॉग को शूट नहीं कर पाए, इसीलिए हम सीधा रोहतक ही पहुंच गए। हांसी से चली हुई 5:26 पर और 6:26 पर यहाँ पर पहुंच चुकी है, पर हालांकि अभी स्पीड कम होने के कारण 2 घंटे लगे इसको पहुंचने में। और जो यहाँ के लोको पायलट थे भाई काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने डोबवाड़ी से लेके और रोहतक तक हमें इसमें सफ़र भी करवाया इंजन में, पर हम इसी वजह से वो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने ये ब्लॉग शूट नहीं किया। तो भाई अभी ये रोहतक स्टेशन पे हम इस वक्त, तो काफ़ी अच्छे लोको पायलट सब थे जिन्हें हमें डोबवाड़ी से लेकर रोहतक का इसमें इंजन में सफ़र भी किया लगभग 6-7 किलोमीटर का। सो भाई यही था आज के व्लॉग में, उम्मीद आप लोगों को ये काफ़ी पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमने आपको पूरा सफ़र दिखाया हांसी से रोहतक का वाया मैम होते हुए, तो आपको बताइए, कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो जय हिंद, जय श्री श्याम।